टाइम हो गया है सुबह के 9:06 और हम अब निकल चुके हैं दरभंगा से। थोड़ा सा लेट हो गया है, हमारा 1 घंटा पीछे हो गया अपने शेड्यूल टाइम से। झंडा के साथ आर्मी ट्रक, क्या कॉम्बिनेशन है बॉस। नंबर 1 राइडर, नंबर 2 राइडर और नंबर 3 तो बकवास कर ही रहा है आप लोगों के साथ। कहीं धूप कहीं छाव, कहीं बारिश तो कहीं स्नोफॉल। मिलिट्री मैन, अतः हम क्या गलती करेंगे जो हमको गोली मारेगा। तो तुम्हारा ईयरफोन में प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। तो प्रतीक का सो गया क्या? तो आलू का पराठा। 6 महीना इंतजार किए इस रोड को चलने के लिए भाई। रोड पे चलाने का अलग ही मजा है, जैसा लगता है कि दुनिया हमारी है और हम इस दुनिया के बादशाह। पता नहीं हमको तो नहीं रोक रहा, अच्छा बोलेरो को रोक रहा है। चारों तरफ एकदम खुला हुआ माहौल है, देख के ऐसा लग रहा है कि हम किसी और प्लैनेट पर आ गए हैं। नहीं, कमल को कुछ काट लिया है, यहाँ रुको ना। क्या काटा? आजा आजा, चलो थका दिया तुम। बोलते साथ में रहो, देखो कीड़ा काट दिया ना। क्या डिस्काउंट करो, कॉन्फ्रेंस कार्ड डिस्काउंट करो। भूल गया था। खुशी मिलता है ना सही में। दोस्त मिल गए, दो राइडर से मिल गए, बढ़ावा है बढ़ावा। अरे यार बुलेट वाले तो ऐसे उड़ गए जैसे ना तो जहाज उड़ता है। अरे हम कमरवा चालू किया तो तुम पीछे चले गए। हाँ आगे वाला हम क्या आ गया। मारो क्रूज। तभी तो लगेगा कि हाँ वाटर क्रूज कंट्रोल हुआ है। ये 83 की स्पीड में प्रतीक बिना हाथ लगाए गाड़ी चला रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? कुदरत का करिश्मा, पूजा करो कोई इसकी गाड़ी की। ये पूरा एकदम क्रूज कंट्रोल का मजे ले रहा है। आराम मिला।
कहा था मैंने तकिया ले लो एक पतला वाला। लेकिन आगे टर्न पे थोड़ा रुकना, ठीक है ना, गाड़ी को रेस्ट देना है। टर्न पे जहाँ पर मुड़ना है वहाँ रुकेंगे थोड़ा सा। क्या? हाँ आगे जाके रुकेंगे, तो गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए ना, काफी देर से भगा रहे हैं इसको। नहीं आएंगे, जाओ, बाय, गुड नाइट। सुन, मेरा पेट्रोल शायद खत्म होने वाला है, दो डंडा पे आ गया है। प्रतीक तुमको बीच से जाना है? अरे साइड से नहीं जाना तुमको, अरे 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 कहाँ घुस रहा है, तुमको साइड से नहीं जाना, तुमको बीच से जाना है। अच्छा यही लेफ्ट है, सही तो कोई ऐसा सूखा सा लेफ्ट हो गया भाई, बहुत वो निकलेगा, क्या कहते हैं, रोडवा चढ़िया निकलेगा, कहीं जगह मिले तो रखिएगा, लेकिन लोग देख के, क्योंकि भीड़ आ जाएगा लोग देख के। तो अररिया का मोड़, यहाँ से बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, तो किशनगंज जाना है 71, पास करके देख लीजिए कितना दूर है। कमल के चैनल पर डलवा के जाना अच्छा रहेगा, उसका सब्सक्राइबर ज्यादा है। कमल जी हमारा कुछ कर दीजिएगा, हमरे भी किसी वीडियो में इंक्लूड कर लीजिएगा। पीछे एक और गरीब जा रहा है जिसका नाम बिहार बाइकर है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ये तो बाढ़ में लगता बह गया है, गर्दा टूटा है लेकिन। अरे ये क्या है, तुम ऊपर चला गया, मैं गलती आ गया क्या? वर्स्ट कंडीशन ऑफ रोड, वर्स्ट। उतरेगा? अरे चढ़ाने उतारने में माहिर हैं, गांधी सेतु पे चलाते हैं। चलो ढिंचक 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 ढिंचक। तो माय डियर व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हो मेरे दोनों साइड चाय की बगान, वो हम लास्ट टाइम भी हम जब दार्जिलिंग आए थे तो ये भी आपको दिखाया था मैंने। सो यू कैन गो माय प्रीवियस वीडियोस फ्रॉम पटना टू दार्जिलिंग फ्रॉम अबव आई बटन लिंक। We have spent approximately 6 days at Darjeeling and we explored Darjeeling nicely. So you can go and watch my episodes. अरे दूल्हा बाइक पे जा रहे हैं, वाह! टी टाइम हो गया है, लगभग 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। हमारा अभी भी 10 से 20 किलोमीटर बाकी है सिलीगुड़ी पहुंचना, अपना होटल पहुंचना। दार्जिलिंग का वीडियो भी हमने अच्छा बनाया है दोस्तों, आप लोग जाके देखो प्लीज़, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं उसके। हमारा दूसरी बार रिफिलिंग का टाइम आ गया, क्योंकि हम कल सुबह निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग अप्रॉक्स 2 से 3 बजे हम निकल जाएंगे टू गैंगटॉक सिक्किम, क्योंकि वी हैव टू कलेक्ट परमिट फॉर गुरुडोंगमर और नाथुला। और अर्ली मॉर्निंग अगर हम उसको करेक्ट करते हैं तो हम वहाँ से लाचेन के लिए निकलेंगे, और हमारा अगला स्टॉप रहेगा लाचेन। वीडियोस को देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी और बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे इसके, ठीक है। सो वी हैव रिफिल्ड आवर बाइक, सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे इसीलिए टाइम नहीं मिलेगा, और अभी थकान इतनी हो गई कि जाते ही सब पसड़ जाएंगे बेड पे। रुको रुको रुको, रुक जा प्रतीक, खाने के लिए डाल दे। अभी तक हम लोग चले हैं पटना से लगभग 450 या 460 के अप्रॉक्स किलोमीटर चल चुके हैं और पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी। तो फिलहाल हमारे मैप बने हुए हैं मिस्टर प्रतीक राज, पंछी द ट्रैवलर, और वाया ब्लूटूथ
नहीं वाया ब्लूटूथ नहीं, हम कनेक्टेड हैं कॉन्फ्रेंस कॉल से और वो मुझे अपडेट करते रहते हैं कहाँ अपने को टर्न लेना है, कहाँ क्या लेना है। जय माता दी। लग तो रहा है पार तो हो गया बस से। वो क्या लाल बत्ती पार हुआ ना, पुलिस वाला उसको रोकने आ रहा था लेकिन नहीं रोका शायद। हेडलाइट जल रहा है का? अच्छा लाल बत्ती है, दिखा नहीं यार हमें। जी सर, सर बिल्कुल नहीं दिखा सर, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमको ध्यान ही नहीं रहता है। हम लोग बाहर का है ना, हम लोग को नहीं पता चला, थोड़ा तो ऊपर था ना, ध्यान नहीं दिया। हम लोग क्या नीचे देखते हैं ना। थैंक यू सर। यार आगे से ध्यान रखना, ऊपर देखना। अरे यार नहीं दिखा यार, एकदम ऊपर में था ना। लाल बत्ती नहीं है ना, देख ले भाई अब। अरे लाल बत्ती देख ले, लाल बत्ती कहाँ है साला, दिखता ही नहीं है। तो जितने भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो कभी सिल्लीगुड़ी या दार्जिलिंग का प्लान बनाएंगे और सिल्लीगुड़ी के रूट से आते हैं, तो उनको मैं इत्तला कर दूँ, मतलब इन्फॉर्म कर देता हूँ कि यहाँ का जो रेड लाइट है ना वो ऊपर होता है, तो काइंडली चेक करके रेड लाइट क्रॉस करिए। सिटी के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्रॉस कर जाओगे और आगे आप तो इंतज़ार कर रहे होंगे पुलिस या ट्रैफिक हवलदार कब आपको उंगली दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अभी मेरे और कमल से यही गलती हो गया, बट ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम बाहर से थे, हमें पता नहीं चला क्योंकि रेड लाइट ऊपर था। देखो सीधा रोड और मेरे राइट साइड में टॉय ट्रेन का पटरी। सुबह रहता ना तो आपको अच्छे से दिखा था साफ सुथरा। सीधी सी बात है दोस्तों, हम कहीं भी नया जगह जाते हैं, नया शहर में जाते हैं तो डर तो लगता है, क्योंकि अपने शहर को हम अपने हिसाब से जीते हैं और दूसरे के शहर को हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, मतलब हम जो चीज़ लिविंग लाइफ जी रहे हैं वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए, किसी दूसरे शहर में जाओ तो संभल के रहो, अपने लिमिट में, मतलब रूल्स को एटलीस्ट फॉलो करो खुद के लिए, ठीक है ना। बेकार के पचड़े में नहीं फंसोगे, अदरवाइज आधा से ज़्यादा समय आपका पचड़े में ही चला जाएगा, बाद में फिर रहेगा क्या अफसोस कि काश हमने वो नहीं किया होता।